भाजपा विधायक दल की बैठक आज है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक ये बैठक लेंगे। सभी नव निर्वाचित विधायकों को बुलावा भेज दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से ये बुलावा भेजा गया। शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस बैठक को बुलाया गया है। दोपहर 1:30 बजे से भाजपा के सभी नव निर्वाचित विधायकों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। नव निर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर राजस्थान का नंबर कब आएगा। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल चुका है, छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मिल चुका है और राजस्थान, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इंतजार ज्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद कहा कि पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे जो विधायक दल की बैठक में विधायकों के मन को टटोलेंगे, उसमें भी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया है जब आज ये फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल की बैठक होगी। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। ऐश्वर्य, सबसे पहले तो अपडेट कीजिएगा, ये जो बैठक होगी राजनाथ सिंह जयपुर आएंगे, हर एक चीज को लेकर जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रखा गया है। पूनम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम मिनट टू मिनट है, लेकिन सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी है। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है। और सबसे रोचक और बात है, रोचक बात यह है कि जो 2 बार 3 बार जीते हुए हैं वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कई ऐसे भी हैं जो पहली बार जीते हैं वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या पता उन्हें सीएम बना दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें हैं वो बाहर निकल कर आ रही है, क्योंकि उनके जो करीबी हैं वो सुबह से कल देर रात से यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नंबर भी आ सकता है, हमारा नंबर भी आ सकता है, इस तरीके से उन्हें उम्मीद है। तो इन उम्मीदों का समापन जो है वो शाम को होगा, पता चलेगा कि किसका भाग्योदय होता है, किसका भाग्य प्रबल रूप से कार्य करता है। लेकिन विधायक जो है वो पूरी तरीके से रेडी है। विधायकों को भी पता नहीं है, बस विधायकों को ये कहा गया है कि आपको 11 बजे से पहुंच जाना है, 4 बजे बैठक होगी, उससे पहले लंच है, लंच से पहले एक सामान्य बैठक जब शुरू होती है तो उससे पहले गीत भी गाए जाते हैं, गायन, इस तरीके की बातें भी सामने आ जाती है, गीत गायन जो कि राष्ट्रगीत होते हैं, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कुछ गीत होते हैं वो गाए जाते हैं, या फिर सामान्य तौर पर नारायण पंचारी या ओंकार सिंह लखावत सरी के नेताओं के बौद्धिक भी हो सकते हैं, यानी वो भाषण भी दे सकते हैं, जिससे कि विधायकों को एक पार्टी की नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से उनको ट्रेंड किया जा सके, विधायकों को बताया जा सके कि किस तरीके से सरकार बनने के बाद आपको कार्य करना है, पार्टी सर्वोपरि है, इस तरीके का मैसेज भी दिया जाए भाषणों के जरिए कि पार्टी और कमल के फूल से बड़ा कोई नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, जिस विचार से भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं वहां पर व्यक्ति की बजाय पार्टी या संगठन महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति पार्टी से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, चलिए एक बार ये जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा अपडेट मिल रहा है जिसका इंतजार था। जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं 3, उनमें से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह का प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह सुबह 10:30 बजे दिल्ली अकबर रोड से रवाना होंगे, फिर सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट से रवाना होंगे। सुबह 11:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और वहां से होटल ललित पहुंचेंगे। 12:05 से 3:45 तक होटल में रहेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ मुलाकात होगी और फिर यह सिलसिला चलता रहेगा। 4 बजे तक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, 4 से 6:30 बजे तक भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे राजनाथ सिंह, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ऐश्वर्या, आगे की जानकारी दीजिए, क्योंकि ऐसे तो आप भी बता चुके हैं कि प्रोसेस समझाना होगा, जो नव निर्वाचित विधायक आए हैं, जो पहली बार भी विधायक बने हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे उनके बारे में भी बताइए, क्या कोई वक्त में बदलाव हुआ है या फिर वही वक्त रहेगा? देखिए, ये जो हम लोगों ने टीवी स्क्रीन पर चलाया है ये मिनट टू मिनट टेंटेटिव यही कार्यक्रम है। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, अमूमन 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि फिक्स यही कार्यक्रम हो, लेकिन 10-5 मिनट हो सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन कमोबेश कार्यक्रम यही रहेगा उनका, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री हैं तो उनके पास समय अभाव भी रहता है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण यही है, बस ये है कि राजनाथ सिंह किन किन कोर टीम के नेताओं से मुलाकात करते हैं, किन किन को बुलाते हैं, इस पर हम सभी की दृष्टि रहेगी। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, बने रहिएगा। डिंपल शर्मा भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है बीजेपी दफ्तर से, वहां किस तरीके की तैयारी चल रही है उसे जान लेते हैं। डिंपल, शुभ घड़ी आखिरकार आ गई है, खुशियां नव निर्वाचित विधायकों के लिए भी लेके आई है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं तक लेकर आई है, लेकिन एक कश्मकश, आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री? चलिए ये भी संशय बहुत जल्द दूर हो जाएगा, लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा और तस्वीरें दिखाइएगा।
देखिए पूनम, बताना चाहूंगी इस वक्त प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूं और वही सस्पेंस जो आपके मन में भी होगा, जनता के मन में भी होगा और वही जितने भी तमाम मीडिया चैनल्स यहां पर मौजूद हैं, सभी पत्रकारों के मन में भी इस बार यही सस्पेंस बना हुआ है कि इस बार राजस्थान की कमान है वो किसको सौंपी जाएगी। अनुमान हर बार लगाए जाते हैं लेकिन इस बार जो फहरिस्त है वो इतनी लंबी है कि उनमें से किसी एक नाम को चुन पाना थोड़ी सी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 12:45 के लगभग यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद तुरंत जो होटल ललित है उसकी ओर वहां जाएंगे और वहां पर जो लगातार मुलाकातों का दौर चलेगा और कम से कम 4:45 बजे तक वो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के उनसे मुलाकात होगी और जो तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान के नियुक्त किए गए हैं उनको वही डिसाइड करेंगे कि इस बार राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाएगी। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ और अभी तक यहाँ पर उतनी ज्यादा हलचल नहीं है, उतनी शांति है, बहुत ज्यादा हलचल नहीं है लेकिन कुछ देर बाद जो तस्वीरें हैं वो इसके एकदम उलट दिखाई देंगी। कुछ देर बाद यहाँ पर जो लगातार वो फैसला है, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा क्योंकि 1:30 बजे के लगभग जो रजिस्ट्रेशन है नवनिर्वाचित विधायकों का वो शुरू हो जाएगा और सभी विधायकों को न्योता भेजा गया है सभी विधायकों का और निश्चित तौर पर यहाँ पर रहना जरूरी है और सभी यहाँ पर आएंगे भी और नवनिर्वाचित जो उनका विधायक है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा और क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता कुछ एक आधे पहुंचे हैं और उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे और उसकी के बाद लगभग 6 से 7 बजे के लगभग शाम तक वेट करना होगा जनता को भी, आपको भी और हमें भी कि राजस्थान की कमान इस बार किसको सौंपी जाएगी। तमाम चेहरे चाहे रेस में हो लेकिन इस बार कोई फैसला नया भी लिया जा सकता है क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विष्णुदेव साय को मौका दिया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हुए अलग अलग, एक तरफ आदिवासी चेहरा मोहन यादव की बात करें तो संघ से जुड़े हुए हैं लेकिन राजस्थान में अनुमान लगा पाना मुश्किल बड़ा है लेकिन क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है, राजस्थान की भी 25 सीटें हैं, इसी को देखकर फैसला भी लेना होगा क्या जातिगत आधार पर लिया जाएगा या कौन सा फैक्टर है जिसको तरजीह दी जाएगी कि आगे यहाँ पर राजस्थान का सीएम डिसाइड हो। और कह सकते हैं पूनम कि अभी तक क्योंकि 1:30 बजे के लगभग यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो जाएगा और 4 बजे के लगभग जो विधायक दल की बैठक है उस विधायक दल की बैठक में निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा कि राजस्थान की कमान इस बार किसको सौंपी जाएगी क्योंकि देखिए 8 दिन हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 8 दिन निकल जाने के बाद भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि राजस्थान का सीएम इस बार कौन होगा, राजस्थान का सीएम फेस कौन होगा, किसी के अलग अलग तरीके के नाम सामने आ रहे हैं और अगर और जगहों की बात करें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 3, 4 या 5 नाम कह सकते हैं कि जो आगे रेस में थे लेकिन राजस्थान में ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि किसी भी 2 या 3 नामों को भी आगे रख पाना मुश्किल है क्योंकि इस बार फैसला किसी भी तरीके का लिया जा सकता है और किस फैक्टर को देखते हुए लिया जाएगा ये भी अभी अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है पूनम। और कह सकते हैं कि अभी 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और 1 बजे के लगभग जो कि यहाँ पर हलचल है, सियासी हलचल है वो शुरू हो जाएगी और प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ, तमाम तस्वीरें आपको लगातार फर्स्ट इंडिया दिखाएगा कि यहाँ पर किस तरह का फैसला है और इसका भी जो राजस्थान में सीएम फेस डिसाइड होगा आज क्योंकि 8 दिन तक लगातार इंतजार किया है, जनता ने भी किया, तमाम मीडिया चैनल्स ने भी किया और आपने भी किया और हमने भी किया कि राजस्थान का सीएम फेस होगा और सभी को लगातार सवाल भी यही पूछा जा रहा है कि हम अगर नॉर्मल लोगों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं तो जनता हमसे पूछती है कि इस बार राजस्थान का सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, आपको तो पता होगा लेकिन इस बार मीडिया चैनल्स के लिए भी इसका अनुमान लगा पाना, सटीक अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन तस्वीरें आज शाम तक साफ हो जाएगी 4 बजे विधायक दल की बैठक क्योंकि शाम को 7 बजे के लगभग जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके लौटने का कार्यक्रम है और उससे पहले पहले ही ये फैसला लिया जाएगा कि इस बार राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाएगी। बिल्कुल डिंपल, आपने सही कहा और जनता का हक है पूछने का क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, बीजेपी को जिताया है तो वो जानना चाहती है कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। बने रहेगा हमारे साथ ऐश्वर्य भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई तरह की कयास लगाए जाने लगे हैं, जैसे कि डिंपल ने भी कहा कि लोग अब हमसे पूछते हैं कि आखिर आपको तो पता होगा लेकिन इस बार तो कोई सूत्र जो है वो भी दावा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने फॉर्मूला देखा, छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला देखा और यहां तक कि हमने ये भी देखा मध्य प्रदेश में ऐश्वर्य कि जिसने प्रचंड जीत दिलाई है उनका नाम किसी भी पद के लिए अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में किस तरीके का फॉर्मूला राजस्थान में नजर आ सकता है, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? ठीक है, ऐश्वर्य का एक बार फिर से रुख करेंगे लेकिन डिंपल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डिंपल, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो जरा आप बताइएगा कि क्या फॉर्मूला राजस्थान में वो बैठ सकता है जो छत्तीसगढ़ में किया या जो मध्य प्रदेश में किया, लेकिन मध्य प्रदेश में
जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें मामा के नाम से हर कोई जानता है, वो कहीं भी नजर नहीं आए किसी भी पद के लिए। तो किस तरीके का फॉर्मूला राजस्थान में हो सकता है, इसके तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है टिम्पल? देखिए पूनम, सबसे पहले तो क्योंकि जिस तरीके के फैसले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लिए गए वो किसी और आधार पर लिए गए, जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मौका दिया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मौका दिया, संघ से जुड़ा हुआ चेहरा है, लंबे समय तक और अनुभवी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति कुछ अलग है। राजस्थान के को हमेशा से, चाहे इसकी पॉलिटिकल स्थिति को भी बात कर ले, राजनीतिक स्थिति भी यहाँ की थोड़ी सी अजीब गरीब और दिलचस्प रही है हमेशा से। राजस्थान पर सबकी नज़रें भी टिकी है क्योंकि फैसला देखिए, राजस्थान की 25 सीटें हैं, लोकसभा चुनाव आगे हैं, क्या ओबीसी चेहरे को मौका दिया जा सकता है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी अगर ये कहा जाए कि रिवाज जैसा रहा है हमेशा से, विश्वस्त रहते थे कि इस बार, क्योंकि लेकिन पहले ही जब सभाएं हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभाएं की थी चुनावों से पहले, तभी इस बात को साफ कर दिया था कि इस बार चेहरा पूरी तरह से जो ये कह सकते हैं कि भाजपा के चेहरे पर होगा, कमल पर इस बार वोटिंग होगी, और उसी को लेकर जो है भाजपा को जीत तो दिलाई है जनता ने, लेकिन उसके बाद भाजपा भी खुद इस कश्मकश में 8 दिन, क्योंकि 8 दिन का समय बीत जाने के बाद भी ये अनुमान लगा पाना, क्योंकि पूरे अंदरखाने मीटिंग्स चल रही हैं, फैसला किस पर लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे 3 पर्यवेक्षक यहां पर फैसला तो आला कमान को लेना है, ये तो साफ हो चुका है डिंपल। लेकिन वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक आज है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक बैठक लेंगे। सभी नव निर्वाचित विधायकों को बुलावा भेज दिया गया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से बुलावा भेजा गया। शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है और उसके बाद लगातार मंत्र टोले जाएंगे सभी विधायकों के। इस बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश सभी नव निर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से दे दिए गए हैं। ये 3 पर्यवेक्षक राजस्थान के राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री है, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, और सरोज पांडे जो है वो राज्यसभा सांसद है, और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 4 बजे से बैठक शुरू होगी, प्रदेश कार्यालय का रुख करेंगे। टिम्पल शर्मा से लगातार हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है, जानकारी दे रही हैं। टिम्पल, अभी आपके पास क्या अपडेट है, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लगातार आप जानकारी तो दे रहे हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही है, सजाया जा रहा है और युवा कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए पूनम, जैसे कि 9:30 बजे का लगभग समय हो गया और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1:30 बजे के लगभग जो कि नवनिर्वाचित विधायकों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा आने का, और जो उनका रजिस्ट्रेशन आज होना है वो शुरू हो जाएगा, और 4 बजे क्योंकि 12:45 के लगभग यहाँ पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो कि पर्यवेक्षकों में से एक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मुलाकात, यहाँ पर लगातार जो मीटिंग है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से राजस्थान के होटल ललित में, वो मुलाकातों का दौर चलेगा, लेकिन उसके बाद जो कि 4 बजे के लगभग प्रदेश भाजपा कार्यालय यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 6:30 बजे के लगभग वो पूरे फैसले लिए जाएंगे, अंदर खाने पूरी तरीके से फैसले लिए जाएंगे, आपस में बातचीत के बाद वो फैसला लिया जाएगा कि राजस्थान का सीएम इस बार कौन होगा। संवाददाता विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि अनुमान कोई भी नहीं लगाया जा रहा, कम से कम लंबी फहरिस्त है जिसको लेकर बातें कही जा रही है कि कौन से सीएम फेस को लेकर आगे है, कौन चेहरे हैं जो सबसे आगे हैं, क्या कहते हैं, आपका अनुभव क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 1 सप्ताह से 8 से 10 नाम राजस्थान में चल रहे हैं और हर कोई कयास लगा रखा है कि ये हो सकता है, किस जाति को साध सकते हैं। हालांकि देखिए, ब्राह्मण, राजपूत और जाट, इसके अलावा दलित, ये 4 जातियाँ जिनको साधने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नाम सामने आया तो राजस्थान में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कौन सा विधायक होगा जिसकी ताजपोशी की जाएगी, वो चेहरा कौन सा होगा जिसकी ताजपोशी की जाएगी। लेकिन देखिए कि 4 बजे से 6:30 बजे तक का जो समय है वो बड़ा अहम है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद रहेंगे, 3 पर्यवेक्षक यहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा किस रूप में एक फ़ोन करते हैं या चिट्ठी भेजते हैं, और चिट्ठी खुलने के बाद या फ़ोन कॉल के बाद नाम सामने आएगा, तो राजस्थान में भी जाहिर सी बात है इस बार एक नया चेहरा होगा, चौंकाने वाला नाम होगा। विनोद जी, आपने एक बात कही कि एक फ़ोन आएगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि भाजपा का रिवाज रहा है कि एक फैसला आता है और उसी पर सबको अमल करना होता है। क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव 2024 में आ गया है, उसको देख कर भी, उस फैक्टर के तौर पर भी फैसला लिया जा सकता है राजस्थान के? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बताऊँ आपको, राजपूत अगर सीएम बनता है तो डिप्टी सीएम में जाट और ब्राह्मण को लिया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक दलित चेहरा सामने आएगा। अगर ब्राह्मण बनता है तो जाट और राजपूत होंगे, इस तरीके से 4 जातियों में इक्वेशन बैठाई जाएगी। लेकिन बहरहाल सामने यही आ रहा है कि वो चौंकाने वाला नाम दिल्ली से आएगा, केंद्र भेजेगा और केंद्र के नाम पर ही मोहर लगेगी और पूरी पार्टी जो नाम तय होगा उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। देखिए, और ये कयास है और ये